आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम सबा इब्राहिम, शुएब इब्राहिम, दीपिका कक्कड़ और पाकिस्तान से भी कुछ व्लॉगर हैं, उनकी कमाई बताने वाले हैं और भी कुछ बताएंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मेरा नाम मुकर्रम खान है। दोस्तों, निगेटिव वीडियो तो आपने हमारी देख ली, लेकिन आज पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे और दोस्तों आपको बताने वाले हैं ये लोग कितनी कमाई करते हैं। शुएब इब्राहिम ज़्यादा कमाई करते हैं, दीपिका कक्कड़ या सबा इब्राहिम या पाकिस्तान के व्लॉगर, तो आज पूरी वीडियो देख के जाना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसी को देखते हुए सितारा यासीन के शोहर मुस्तफ़ा साजिद ने भी कुछ विवादों के चलते हुए एक अपना चैनल बनाया और दोस्तों उनका देखते ही देखते उनका चैनल भी बूस्ट कर गया। तो बताएंगे उनकी भी कमाई कितनी है आजकल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबा इब्राहिम की जो भाभी हैं दीपिका कक्कड़, उनका जो चैनल है दीपिका की दुनिया, उन्होंने फिलहाल अपने चैनल पर 210 वीडियो अपलोड किए हैं और फिलहाल में अभी उनके चैनल पर 3 मिलियन यानी 30,40,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अगर आमदनी की बात की जाए तो $6100 पर महीने कमाती हैं वो, करीब हो गए इंडियन रुपीस के हिसाब से 5 लाख। उनके चैनल पर व्यूज़ की बात की जाए तो 52 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ उनके चैनल पर अभी तक मौजूदा है। अगर यूट्यूब और एडवर्टाइज मिला के अगर इनकी कमाई की बात की जाए तो 20 से 25 लाख रुपए हर महीने ये कमा लेती हैं आराम से। अब बात करते हैं शुएब इब्राहिम के बारे में। इन्होंने चैनल बनाया था सन 2012 में और इन्होंने अभी तक 284 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर और इनके जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं फिलहाल 25 लाख से ज़्यादा। दोस्तों, अगर कमाई की बात की जाए तो इनके चैनल पर $9400 प्रति महीने की आमदनी है। अगर मल्टीप्लाई करें 79 से तो फिलहाल रकम निकल कर आती है 7,42,000 रुपये। सो एडवर्टाइज वगैरह मिला के अगर इनकी रकम बताई जाए तो करीब 30 से 40 लाख रुपये आराम से हर महीने ही कमा लेते हैं यूट्यूब से। तो जितनी रकम मैं बताता हूँ ना, इनकी करीब इससे डबल ही आती है। अब बात करते हैं प्यारी प्यारी सबा इब्राहिम के बारे में। इन्होंने चैनल बनाया था यूट्यूब का सन 2017 में और 313 वीडियो अपलोड कर दिए हैं अभी तक। वही बात की जाए इनके सब्सक्राइबर की तो अभी तक इनके चैनल पर 23,20,000 सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब से कमाई के मामले में ये अपनी भाभी दीपिका कक्कड़ और शुएब इब्राहिम से भी जीत गई है। इनकी कमाई हर महीने की $10,700 प्रति महीने की है और दोस्तों अगर कन्वर्ट किया जाए 79 रुपीज से तो दोस्तों इनकी जो कमाई है वो 8,45,000 रुपए है। और दोस्तों अगर जितनी 8,45,000 का हम डबल ही कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर डबल ही आमदनी आती है और एडवर्टाइज वगैरह मिलाने के बाद में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए हर महीना आराम से यूट्यूब से कमा लेती हैं। और दोस्तों यहीं पर नहीं, ये इंस्टाग्राम से अलग कमाती हैं और फेसबुक से अलग कमाती हैं। दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा जरिए हैं पैसा कमाने के। अब लेके चलते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर की तरफ, सितारा यासीन, जिससे कि एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। और दोस्तों इन्होंने चैनल शुरू किया था सन 2020 में। दोस्तों इन्होंने अभी तक यूट्यूब पर 462 वीडियो अपलोड की दी है। और दोस्तों ये अगर सब्सक्राइबर की बात करें तो 8,06,000 इनके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं। तो ये भी अच्छा पैसा जनरेट करती हैं, $5,500 प्रति महीने की आमदनी अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीज में 79 रुपीज से तो दोस्तों करीब 4,34,000 रुपया हर महीने कमा लेती हैं। और अगर इसकी आमदनी देखे जाए 4,34,000 का डबल करिए 8 लाख और 8 लाख का भी डबल कर दीजिए कम से कम, दोस्तों 20 से 25 लाख रुपये हर महीने ये आराम से कमा लेती हैं। और इन्होंने फिलहाल में ही किया कंपनी की एक चमचमाती न्यू ब्रांडेड कार निकाली है। तो अब आखिर में बात करते हैं मुस्तफा साजिद, जो कि सितारा यासीन के शोहर हैं। इन्होंने भी 15 फरवरी 2022 को चैनल बनाया था और दोस्तों इन्होंने 150 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। और दोस्तों अगर इनकी कमाई की बात की जाए तो दोस्तों इन्होंने अभी तक इनकी हर महीने की जो कमाई है $513 प्रति महीने की है और इंडियन रुपीज के हिसाब से देखें तो करीब 40,000 रुपये हर महीने कमाते हैं। और अगर एडवर्टाइज वगैरह सब चीज़ें मिलाने के बाद में दोस्तों इनकी कमाई 1-1.5 लाख रुपए की आराम से हो जाती है हर महीने की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।